आंटी, कैसी हैं तुम? तुम छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हमारे ऑफिस में घुसकर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा। तो जानती हूँ इसे, आप लोग नहीं जानते इसे? अशफाक 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 अहमद हुसैन की बेटी है ये, अमल अशफाक। मजबीन अमल को देखकर पहचान जाती है और दिलशाद हैरान होती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, जिस पे मजबीन कहती है कि अशफाक हुसैन की बेटी अमल अशफाक। मजबीन वही औरत है जिसे अमल और रेहान पहले ही जान चुके हैं कि जिसने अकबर के साथ मिलकर अशफाक हुसैन को ट्रैप किया था। जहीन अमल से कहता है कि तुमने चोरी से ऑफिस की तलाशी ली है, जिस पे वह गुस्सा होकर अमल को थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन इन टाइम पर रेहान आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अमल और रेहान पहले ही पुलिस को फाइल दे चुके हैं। अमल की लॉयर पहले अकबर और मजबीन के खिलाफ केस फाइल कर चुकी है। दिलशाद और जहीन की सारी अकड़ निकलने वाली है जब अकबर और मजबीन का असल चेहरा उनके सामने। कासिमदार की तबीयत अचानक खराब होती है और सोनिया को पुकारते वो बेहोश हो जाता है। सोनिया घबरा जाती है और वो बासिल को मदद के लिए पुकारती है। अमल जहीन से तलाक के लिए भी केस फाइल कर चुकी है। मजीद